और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का। राजेंद्र, किस वार्ड में इस वक्त आप मौजूद हैं, किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अगर पोलिंग की हम रफ्तार की बात करें तो सुबह से ही थोड़ी धीमी नजर आ रही थी, अभी क्या हाल है राजेंद्र? राजेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपके पीछे मैं फिलहाल काफी भीड़ देख रही हूं। ये माना जा रहा था कि मौसम की वजह से रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन लगता है राजेंद्र को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। रणबीर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, उस वार्ड में आप मौजूद हैं जहां आपसे कुछ देर बाद सीएम सुक्खू मतदान करने पहुंचेंगे। जी हाँ, देखिए समय तो ठीक 12:30 बजे का था और यहाँ पर तस्वीरें लगातार दिखाना चाहेंगे। कुछ लोग भी जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि किस तरह से जो है यहाँ पर रफ्तार जो है किस तरह से धीमी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही है कि शायद 4 बजे से पहले ये मत प्रतिशत जो है बढ़े और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो है यहाँ मतदान के लिए पहुंचे। लेकिन तस्वीरें कुछ अच्छी भी यहाँ पर नजर आ रही है, भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ पर लगी है। राजनीतिक दल के लोग तो हैं ही, लेकिन जो दूसरे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हमने जोश यहाँ पर देखा है कि 80 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पर खुद पैदल मतदान केंद्र में पहुंचे हैं और मतदान यहाँ पर किया है। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि इन बुजुर्गों का जोश देखकर जो दूसरे जो मतदाता है वो भी थोड़ा सा जो है मोटिवेट होंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे। तो लाइनें ऐसी जो है यहाँ पर छोटा शिमला में आप देखिए ज्यादा खास लंबी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार जो लोग हैं मतदान के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जागरूक है। बिल्कुल रणबीर, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, किस मतदान केंद्र पर आप इस वक्त मौजूद हैं और आपके पीछे भी मैं लोगों की अच्छी खासी भीड़ देख रही हूं, जो पोलिंग की रफ्तार पहले धीमी थी अब वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए, राजेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच प्रोफेसर रमेश चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जहां कांग्रेस के लिए ये लोकप्रियता और कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल भी है नगर निगम का चुनाव, वहीं भाजपा अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ती हुई ज्यादा नजर आई हमें चुनाव प्रचार में। हाँ, देखिए ये चुनाव जो है कांग्रेस की एक आप जिसको कहे कि जल्दी परीक्षा का घड़ी आ गई है। अभी 3-4 महीने सरकार बन के हुए है तो ये पहली परीक्षा जो है जिसको आप कहते हैं कि भी बोर्ड एग्जाम पास करने से पहले एक इंटरनल एग्जाम पास करना होता है, तभी आप बोर्ड एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने हैं वो तो मुख्य परीक्षा होगी कांग्रेस की, हिमाचल सरकार की, लेकिन उससे पहले ये जो अब शिमला कॉरपोरेशन का चुनाव है ये भी एक परीक्षा की ही घड़ी है, क्योंकि अभी 3 महीने हुए हैं सरकार को बन के और जिस तरह के वादे और जिस तरह की चुनाव में जो चीजें उठी है, और ये चुनाव हिमाचल का जो है इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी विधानसभा के चुनाव, अभी चाहे कर्नाटक में भी चुनाव हो रहा है तो हिमाचल का उदाहरण जरूर दिया जा रहा है जगह जगह चर्चाओं में कि हिमाचल का जो चुनाव था विधानसभा का उस स्थानीय मुद्दों के ऊपर ज्यादा लड़ा गया, इसके ऊपर जो है ज्यादा केंद्रित रहा, ना कि राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर। तो इसी तरह से जो है ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, लोकल इलेक्शन जितना होगा उतने लोकल मुद्दे हावी रहते हैं। जैसे आप पहले भी अपनी बात में कह रहे थे कि हिमाचल में शिमला राजधानी होने के नाते ये टूरिस्ट स्टेशन है, यहाँ पर जो है लोगों का बाहर से आना जाना बहुत ज्यादा रहता है, गाड़ियों का जो बहुत ज्यादा यहाँ पर आवागमन रहता है, सड़कों पे जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम का एक बहुत मुद्दा रहता है सुबह और शाम जब भी लोग जो है बच्चे स्कूल जाते हैं या कार्यालय जाना पड़ता है। तो हालांकि काफी हद तक जो है कॉरपोरेशन में कई जगह पार्किंग की सुविधा करने की कोशिश की गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितनी तादाद में वाहनों की संख्या बढ़ी है उस तादाद में अभी यहाँ का जिस तरह का टोपोग्राफी है उस हिसाब से जो है यहाँ पर पार्किंग सुविधा प्रदान करना एक बहुत मुश्किल काम है। हम कहीं एक सुन रहे थे जो कांग्रेस के यहाँ के लोकल विधायक है
हरीश नाटा जी कह रहे थे कि हम इसको जो है, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने भी किसी एक चुनावी सभा में कहा था समरहिल में कि अब हम जो है रोपवेज के थ्रू जो है पूरे शिमला को कनेक्टिव करना चाहते हैं, जिसकी क्षमता जो है काफी अधिक लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की होगी, और ये प्रोजेक्ट चाहे किसी विदेशी कंपनी के माध्यम से ये जल्दी ही कार्यान्वित होगा। और दूसरा बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर साहब, ये दावे हैं और ये वादे हैं, अभी कितने पूरे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन प्लीज आप लगातार हमारे साथ बने रहें। एक बार मैं राजेंद्र का रुख करना चाहूंगी। राजेंद्र, आप किस मतदान केंद्र पर इस वक्त मौजूद हैं, और आपके पीछे भी मैं काफी भीड़ भी देख पा रही हूँ, तो क्या ये माना जाए कि जो पोलिंग परसेंटेज धीमी गति से आगे बढ़ रहा था अब आफ्टरनून के बाद वो थोड़ी रफ्तार पकड़ेगा? राजेंद्र बिल्कुल जैस्मीन, इस वक्त मैं विकास नगर में मौजूद हूं और ये सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन है। मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं भीड़, यहां पर अब जैसे ही बारिश थमी है वैसी ही भीड़ मतदाताओं की जुटना यहां पर शुरू हो गई है, और क्योंकि सबसे बड़ा मतदान केंद्र है तो ऐसे में अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लगातार यहाँ पर मतदाता यहाँ भारी संख्या में पहुंचेंगे धीरे धीरे, और प्रत्याशी भी क्योंकि यहाँ पर तीन है, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। हमने देखा दोनों राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के बूथ यहाँ पर लगे हैं, गाइडेंस वो कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से। जी आपका हो गया वोट? हो गया जी, हो गया हमारा वोट, हो गया जी। क्या इश्यूज इस बार रहे हैं? इस बार के जो इश्यूज थे मेन है यहाँ पे जो पार्किंग की समस्या है लोगों को, और जैसे आप ऊपर से आए होने तो लोगों को आज बहुत जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। तो हमने, अगर भाजपा सत्ता में आती है, एमसी अगर हमारा काउंसलर जीत गया, आज तक विकास नगर में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद है हमारे साथ, अगर भाजपा का काउंसलर जीत के आता है तो जो वायदे भाजपा ने किए हुए हैं हम उनको पूरा करेंगे। आज तक विकास नगर से कभी भाजपा का पार्षद नहीं रहा है, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि भाजपा का पार्षद आएगा, और जो हमारे यहाँ की स्थानीय जैसे पार्किंग है और जो आवारा कुत्ते हैं और अनेक यहाँ समस्या पानी की समस्या उसको दूर किया जाएगा। बिल्कुल, भाजपा के यहाँ पर समर्थक हैं, बूथ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात हम करते हैं, क्या क्या रोल यहाँ पर रहता है और क्या लोगों से आप डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, हम यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर जो वोटर आ रहे हैं उनकी वोटर नंबर दे रहे हैं और उनकी जो वोट डालने में है जो उनको हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं कि आप जो है आसानी से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बाकी जो यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा मेन मकसद यही है कि जो लोगों को यहाँ पर आकर के जितने भी यहाँ पे जो वोटर आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या, ठीक है राजेंद्र, यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और विकास नगर इसलिए भी सबसे बड़ा मतदान केंद्र है राजेंद्र, क्योंकि सबसे ज्यादा मतदाता यही पर है, 4161 मतदाता विकास नगर में है, और इसी वजह से यहाँ पर इस पोलिंग बूथ को सबसे बड़ा भी कहा जा रहा है। राजेंद्र लगातार आप जी हमारे साथ विधायक मौजूद हैं इस वक्त कांग्रेस के यहाँ प्रभारी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की तरफ से एक कंप्लेंट फाइल की गई है, दो, एक तो कि जो ईवीएम में वोट था पहले दूसरे नंबर पर था, फिर तीसरे नंबर पर शिफ्ट कर दिया गया निशान भाजपा का, तो वो आरोप लगा रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर। जहाँ तक आज शिमला की जनता जो है आने वाले 5 साल के लिए शिमला का विकास कौन करेगा उसके लिए आज निर्णय ले रहे हैं, और जहां तक आपने ईवीएम के तो बाद में बोलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी ने जो 3 महीने के अंदर जो फैसले लिए हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे वो एटिक को रेगुलराइज करना हो, नीचे वाली पार्किंग खोलनी हो, और मैं आपको बताऊँ आप उस वार्ड में खड़े हैं जिस वार्ड से माननीय मुख्यमंत्री 2 बार पार्षद रहे हैं, ये विकास नगर जो है छोटा शिमला का जो है वो पार्ट था। और जहाँ तक स्वच्छ पानी की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में की है, तो कुल मिलाकर मैं, क्योंकि यहाँ का मैं प्रभारी हूँ पिछले 7-8 दिनों से यही हूँ, तो ऐसा लगता है कि 3 महीने पहले जो सरकार बनी है, शिमला की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो इम्पैक्ट है, एटिक का जो इम्पैक्ट है, ये साफ तय है कि हम 2/3 मेजोरिटी जो है वो भारद्वाज जी बात कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत इतना काम शिमला में हुआ है जितना आज तक नहीं हुआ। भैया लोगों ने 3 महीने पहले मोहर तो लगाई तो है, तो हरीश जनाटा उसी की तो उपज है, अगर काम किया होता तो विधानसभा में इनको जनमत मिलता। मैं आपको बता दूं दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री इनका, प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री इनका, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर इनका,
अगर ये डबल ट्रिपल इंजन की सरकार का अगर काम की होती तो ये 40 सीटें कांग्रेस पार्टी की नहीं आती, और अगर स्मार्ट सिटी में कहीं काम किया होता तो हरीश जिनाटा कांग्रेस के विधायक जनता ने जिताए होते। जहां 3 महीने का फैसला है उस फैसले में अब कांग्रेस पार्टी ने और निर्णय लिए हैं और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, शिमला की जनता के साथ वादा होगी और कुल मिलाकर 2/3 मेजोरिटी से यहाँ कांग्रेस आएगी। जहां तक आपने ईवीएम की बात की, ईवीएम की बात राष्ट्रीय स्तर पर वो लोग बात कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर 29 पार्टियों ने लिख के दिया है। भैया आज पता लगा आपको 29 पार्टियों ने लिख के दिया है कि जब अमेरिका के अंदर जो है बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहे हैं 29 पार्टी को नहीं सुनी, आज इनको पता लग रहा है 1, 2, 3 नंबर छाड़ हो सकता है। नहीं नहीं आज भैया आप आत्मचिंतन करो, 29 पार्टी की अपने राष्ट्रीय उसको रिक्वेस्ट को क्यों नहीं माना। जी जैस्मिन, तो विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभारी ये यहाँ के हैं, इस वार्ड के हैं और सबसे बड़ा वार्ड ये नगर निगम का इस वक्त है और लगातार भीड़ यहाँ मतदाताओं की देखने को मिल रही है। आप ठीक मेरे पीछे बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, लगातार मतदाताओं की भीड़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और विकास नगर के वार्ड की खास बात ये भी है कि ये पहले छोटा शिमला में था और यहाँ से 10 साल 1993 से लेकर 2003 तक सीएम सुखू खुद निर्वाचित पार्षद यहाँ से रह चुके हैं। प्रोफेसर रमेश चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रोफेसर साहब, क्या इस चीज का इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा क्योंकि सीएम सुखू खुद शिमला के साथ उनका बड़ा गहरा नाता रहा है और शिमला की टोपोग्राफी को काफी अच्छे से समझते हैं, तो क्या इस चीज का इम्पैक्ट भी आप देख रहे हैं शिमला नगर निगम चुनाव में? देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर जी बचपन से ही शिमला में बड़े पड़े हैं, इनकी सारी प्रारंभिक शिक्षा और कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा भी शिमला में ही हुई है। छात्र राजनीति से लेकर पहला जो इन्होंने चुनावी जो राजनीति का जो इनका अनुभव है वो छोटा शिमला वार्ड जहां अभी मतदान करने आ रहे हैं वहीं से इन्होंने म्यूनिसिपल इलेक्शन जो है चुनाव जीता था सबसे पहले, ये 1992 की बात है। और तब से लेकर अभी तक जो है सुखविंदर ठाकुर जो है इनको लोग अधिकतर पॉपुलरली जो है ये लोकप्रिय है लोगों में सुखू भाई के नाम से, तो ये कोई अपरिचित चेहरा नहीं है स्थानीय लोगों के लिए और काफी एक जिसको आप कह सकते हैं कि आम व्यक्तित्व वाली छवि रखने वाला इनका व्यक्तित्व है। मिलनसार रहे हैं और संघर्ष पूर्ण तरीके से इन्होंने राजनीति में अपनी एक जगह और स्थान बनाया है, तो उस हिसाब से सुखविंदर का शिमला के नगर निगम चुनाव में एक अपना छवि और प्रभाव नेतृत्व के तौर पर अवश्य मेव है ही है। बिल्कुल। साथ ही रमेश चौहान जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस बार के चुनाव में विधानसभा में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की देखने को मिल रही थी बार बार, चलिए हम रमेश चौहान जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, संभवतः उनका सिग्नल नहीं मिल पा रहा है और ये समझना होगा कि शिमला में मौसम इस वक्त किस तरीके से है आप हमारे संवाददाताओं के जरिए समझ पा रहे होंगे, इस वजह से सिग्नल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन रणबीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रणबीर, कितना समय हम माने कि सीएम सुखू पहुंचेंगे और फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे? 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था। जी हाँ, देखिए समय तो 12:30 बजे का था लेकिन यहाँ पर अभी ये बताया जा रहा है कि अभी जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का ओकओवर, अभी मुख्यमंत्री वहीं पर है, अभी थोड़ी देर में वहां से चलेंगे मुख्यमंत्री, तो उनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि कितनी संख्या में, अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर कैमरे की नजर पहुंच रही होगी जो इस तिब्बतन स्कूल का गेट है उसके पास काफी भीड़ नजर आ रही है। हम भी थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर इंतजार मुख्यमंत्री का किया जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और ये जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि जो उनका समय बताया गया था कि यहाँ पर वो मतदान करने पहुंचेंगे वो 12:30 बजे का समय था लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे नहीं। ये जमावड़ा आप देख सकते हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं बेहद करीबी हैं मुख्यमंत्री के और उनके साथ जो है जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या भी बता रही है कि वो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे। काफी संख्या में जो मतदाता है यहाँ के वोटर है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो अब देखना होगा कि कितनी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन हाँ,
चुनावों की जहाँ तक बात है, मतदान की जहाँ तक बात है, तो मतदान अब शायद लगता है कि थोड़ी थोड़ी रफ्तार अब पकड़ चुका है। जिस तरह से राजेंद्र तस्वीरें दिखा रहे थे, हमारे अलग अलग जगहों से जो सहयोगी है वो जानकारी दे रहे हैं, और जो अलग अलग वार्डों में जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि कई वार्डों में जो है काफी लंबी कतारें अभी लगी हुई है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 4 बजे तक ये जो लाइनें हैं ये इसी तरह से नजर आए, तो ये लोकतंत्र के लिहाज से बेहद सुखद तस्वीर रहने वाली होगी। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि शहरी इलाकों में, ना केवल हम नगर निगम शिमला चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव हम आप देख लीजिए, विधानसभा चुनाव देख लीजिए, शहरी इलाके के जो मतदाता हैं वो कम घरों से निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर देखिए किस तरह से लोग जो है, खासकर बुजुर्ग हमने काफी देखे, जिस भी वार्ड में जाए वहां पर बुजुर्गों में जोश जो है देखा जा रहा है, वो घरों से निकलकर वोट करने के लिए आ रहे हैं। जैस्मिन, बिल्कुल रणबीर, और जिस तरीके से इस मतदान केंद्र पर हलचल बढ़ गई है, ये लग रहा है कि बहुत जल्द ही सीएम सुखू यहां पर आ सकते हैं। राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच प्रोफेसर रमेश चौहान जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि सीएम सुखू का कितना प्रभाव शिमला के नगर निगम चुनाव में रहेगा, क्योंकि लंबे समय से वो शिमला रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उन्होंने सब शिमला में ही की है, और शिमला से ही 10 साल पार्षद भी वो निर्वाचित रहे हैं छोटा शिमला से। इसके अलावा अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा उतारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया पोस्टर्स और बैनर में, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर पहुंचे चुनाव प्रचार में, और जो राज्य नेतृत्व था वो कहीं नजर नहीं आया। तो क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं भाजपा पहले से ही अपने आप को बैकफुट पर मान रही है? नहीं, देखिए प्रचार में तो भाजपा जो है काफी अपना जो है उनका बोलबाला नजर आ रहा है। अगर पूरे शहर में आप जब देखें, घूम के जाते, हम नजर लगाएं, तो प्रचार तंत्र पे तो भाजपा ने जो है काफी पैसा चुनाव में अपना लगाया है, और संगठनात्मक तौर पर अगर हम नजर डालें तो अनुराग ठाकुर यहाँ नजर आए घूमते हुए, केंद्रीय नेतृत्व जो अभी मंत्री है यूनियन गवर्नमेंट में, उस तरह से राज्यसभा के सांसद भी इनके रहे हैं, बाकी जो प्रदेश स्तर के जो नेता है वो लगभग सभी जो है कहीं ना कहीं जो है वार्ड में घूमते हुए नजर आए, जयराम ठाकुर से लेकर सुरेश भारद्वाज जी है, सुरेश कश्यप एमपी है जो पूर्व में यहाँ के भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, और वर्तमान जो प्रदेशाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल, वो भी यहीं डटे हुए हैं। अब क्योंकि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है जगत प्रकाश नड्डा जी, वो कर्नाटका के चुनाव में व्यस्त है, तो इसलिए ये जो दूसरे लोग यहाँ हिमाचल प्रदेश में जिनके पास इस चीज की जिम्मेवारी सौंपी गई है वो सक्रियता से काम तो कर रहे हैं। अब ये अंदर खाते भाजपा मन मान गई है कि अभी तो कांग्रेस का नया नया सरकार का गठन हुआ लेकिन, है। लेकिन रमेश जी, यहाँ पर एक सवाल ये अहम होता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पूरे के पूरे केंद्र नेतृत्व को भाजपा ने हिमाचल में पहुंचा दिया था, केंद्र की नीतियों को गिनाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल की जनता ने सिर्फ और सिर्फ लोकल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया, और शायद यही कारण था कि रिवाज नहीं बदल पाई भाजपा। अदरवाइज शिमला के विधानसभा, शिमला के जो ये चुनाव हो रहे हैं इसमें भी यही चीज रिपीट होती हुई नजर आ रही है कि पूरा का पूरा जो नेतृत्व है वो स्थानीय मुद्दों से हटकर जो केंद्र की स्कीम्स हैं उन पर बातचीत हो रही है। अगर छोटा चुनाव तो जो लोग लोकल गवर्नेंस के मुद्दे होंगे, जिसमें सड़क, पानी, बिजली, पार्किंग, या आपका स्वच्छता का जो है मुद्दा है, या ये जो वेस्ट मैनेजमेंट आजकल जो है बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है कि कचरा प्रबंधन किस तरह से किया जाए, ये गांव तक पहुंच गई है ये समस्या जो है। हालांकि हिमाचल ने तो इसमें काफी हद तक जो है कुछ निर्णय लिए है सरकारों ने, पिछली जो भी रही है सरकार प्रदेश में, कि स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आज जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे पास एक चुनौती तो ऊपर से आती है ना, कि अब शिमला में जो है स्मार्ट सिटी के नाम से जो है हजारों करोड़ रुपए तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो विकास होना तो धरातल पे ही है, और जब धरातल पे होगा तो ग्रीन फैलिंग, बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं हरे भरे पेड़ जो है बहुत काटे गए हैं,
उससे जो है बिल्कुल रमेश चौहान जी, इस बात को मानना पड़ेगा कि हिमाचल की जनता, शिमला की जनता लोकल मुद्दों को ही ध्यान में रखकर अपना वोट करती है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शिमला नगर निगम चुनाव में ईवीएम में बीजेपी उम्मीदवार का नाम तीसरे से चौथे स्थान पर किए जाने का बीजेपी आरोप लगा रही है, और इसी पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की है और कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मामला वार्ड नंबर 30 कंगनाधार इलाके का है। आरोप है कि यहां से बीजेपी उम्मीदवार रेणु चौहान का नाम ईवीएम में तीसरी जगह पर अलॉट किया गया था, मगर वोटिंग के समय जब ईवीएम खुला तो उसमें रेणु चौहान का नाम चौथे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, इसे कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए साजिश कांग्रेस कर रही है, ऐसा आरोप भाजपा की तरफ से लगाया गया है। और राजेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, भाजपा चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष ने तो एक चिट्ठी तक लिख डाली है। बिल्कुल जैस्मीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा विधायक बलवीर वर्मा, इनसे हम बात करेंगे। भाजपा की तरफ से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी गई है कि कैंडिडेट्स के नाम छोटा शिमला और कांगनाधार में तीसरे से दूसरे और तीसरे से चौथे स्थान बदला गया है। अब क्या क्या आरोप आपका है? दरअसल आज पोलिंग स्टेशन कांगनाधार में चौथे नंबर पर हमारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नाम था, उसको ऊपर करके और नीचे कांग्रेस का सबसे नीचे लाया गया है और छोटी शिमला में भी परिवर्तन हुआ है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारी एक ही वार्ड में दो दो तीन तीन पोलिंग स्टेशन है, उसमें कुछ जगह ठीक रखा हुआ, कुछ जगह परिवर्तन कर रहे, नीचे ऊपर कर रहे हैं। कैसे इलेक्शन कमीशन वाले इतनी इसमें प्रेशर में काम कर रहे हैं, मेरी ये बड़ी हैरानी की बात है। और कांग्रेस बहुत ही बखला गई है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शिमला शहर के लोग वोट देना चाहते हैं और इनकी जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ये काफी बखला गए। और मैं देख रहा हूं कि ये साम दाम दंड भेद जो भी कर सके, कानून के सारे उल्लंघन करके ये काम कर रहे हैं, एक बहुत ही एक। और साथ में वोट देने के लिए जिसके पास जिसकी वोट है, जिसके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, उसको भी अंदर नहीं जाने देंगे जी। ये मतलब पूरी दादागिरी कर रहे हैं। मैं देख रहा था कांगनाधार में अभी वहां जो प्रतिनिधि है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस के, वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं वोटर के साथ, वोटर को अंदर नहीं जाने दे रहे। ये बहुत ही एक पहली बारी मैं भी इतने इलेक्शन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में देख रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पहली बारी हो रहा है कि वोटर को धमकाया जा रहा है, वोटर को वोट देने नहीं दिया जा रहा है, जिसका नाम लिस्ट में है, जिसके पास अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, उसके बाद भी नहीं होने दे रहे। ये बहुत ही एक दुखदायी घटना हो रही है। और ये सरकारें तो आती रहती है, जाती रहती है, पर अधिकारी किस तरह से ये परिवर्तन कर रहे हैं, ये बहुत ही हैरानी की बात है। शाहपुर से विधायक, कांग्रेस विधायक अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल लंबे समय से कह रहे थे कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन भाजपा ने इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया और अब जब विपक्ष में भाजपा यहाँ शिमला में है, हिमाचल में है, तो अब शिकायतें की जा रही है। नहीं, इसमें मशीन में कोई छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ नाम का परिवर्तन नीचे हो रहा है। मशीन में कोई छेड़छाड़ नहीं, नाम का परिवर्तन जो किया जा रहा है। अब इसमें देखना ये है कि जिन अधिकारियों ने ये किया है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या संज्ञान लेता है। अब एक और सवाल है, क्योंकि चुनावों का अभी प्रोसेस जारी है और हम उस वार्ड में जहां सबसे अधिक वोट हैं, अगर शिमला लोकल की बात करें, आप भाजपा की तरफ से लीड, फ्रंट लीड में लग रहे हैं, भारद्वाज जी आपके साथ हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तीन मंत्री उन्होंने उतार दिए हैं, सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं, तो आपको लग रहा है क्या आप वो टक्कर दे पाएंगे, वो कमी पूरी कर पाएंगे? मैंने ये पांचवा इलेक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का देखा है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हर वार्ड में जा रहे हैं, हर वार्ड में सारे मंत्री जा रहे हैं, पहली बारी ऐसा हुआ है एमसी में कि सरकार पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। और हम देख रहे हैं कि सरकारी तंत्र जिस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है अभी इलेक्शन के लिए, ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। और आपने 4 तारीख को रिजल्ट देखना, उसके बावजूद भी पूरे तंत्र सरकार लगने के बावजूद भी यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी।
जैस्मिन, बिल्कुल विधायक हमारे साथ मौजूद हैं और बलवीर वर्मा का कहना है कि नाम ऊपर नीचे ईवीएम में किए गए हैं, जिसकी शिकायत भाजपा ने की है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से पत्र जिस पर लिखा गया है, और एक और बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है कि सरकारी अमला जिस प्रेशर में काम कर रहा है वो चिंताजनक स्थिति इन्होंने जाहिर की है, उसके ऊपर रोष भाजपा की तरफ से व्यक्त किया गया है। जी जैस्मिन, बिल्कुल राजेंद्र, रोष भाजपा की तरफ से व्यक्त किया गया है और इसको लेकर चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी है। जिस तरीके से ईवीएम में नाम के क्रम को बदला गया है उसको लेकर भाजपा नाराजगी जता रही है। राजेंद्र और रणबीर, लगातार आप हमारे साथ जुड़े, आपने तस्वीरें दिखाई, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर रमेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 हिमाचल को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पालमपुर से आपको खबर देंगे, जहां वार्ड नंबर 2 के लिए मतदान हो रहा है। आज सुबह 8 बजे से ये मतदान शुरू हुआ है। खराब मौसम के बावजूद भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं। कांग्रेस से राधा सूद यहां से प्रत्याशी और भाजपा से रेणु कटोच यहां से प्रत्याशी हैं। और एक तरीके से वार्ड नंबर 2 में ये उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है। शाम 4 बजे तक ये मतदान होगा। पालमपुर में भी नगर निगम के वार्ड नंबर 2 के लिए उपचुनाव हो रहा है। खराब मौसम के बावजूद लोग घरों से निकलकर वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस से राधा सूद और भाजपा की तरफ से रेणु कटोच यहां से प्रत्याशी हैं। और सुबह 8 बजे से ही यहां पर वोटिंग का सिलसिला जारी है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। और विचित्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विचित्र, कैसी नजर आ रही है वोटिंग की रफ्तार? देखिए जैसन, अगर अभी की बात करें तो क्योंकि मौसम जो है वो अभी पूरे दबाव पर है, बारिश जो है वो रिमझिम हो रही है, और ऐसे में क्योंकि ये सिर्फ एक बाढ़ का इलेक्शन है और इसमें बढ़ चढ़ कर जो वो हिस्सा लेने के लिए जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं, उनमें काफी करेज दिख रहा है। और जिनसे भी बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं क्योंकि इस तरह का जो ये क्योंकि लोकशाही में उनको इस तरह से मौका मिलता है, तो इसलिए मतदान उनको निश्चित तौर पर जो वो करना चाहिए, तो इसीलिए जो हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मत प्रतिशतता की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक 20 से 22% ही अभी 12 बजे तक हुई थी, और फिर भी कहीं ज्यादा ही देखी जा रही है। इस लिहाज से यहाँ पर जो है मतदान चल रहा है, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी और अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो ऐसे में अगर हम लोग मत प्रतिशतता पर ध्यान दें तो कहीं सही मत प्रतिशतता जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैस्मिन, ठीक है विचित्र, आप लगातार नजर बना के रखिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पालमपुर के वार्ड नंबर 2 में भी उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर मतदान का सिलसिला जारी है। शाम 4 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी। खराब मौसम के बावजूद भी, हालांकि धीमी रफ्तार में ही, लेकिन लोग घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहीं शिमला नगर निगम चुनाव के लिए भी लगातार मतदान का सिलसिला जारी है, और पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 JKLH एकमात्र ऐसा चैनल है जो शिमला के 34 के 34 वार्डों से आपको हर एक अपडेट दे रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।